भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट देकर इस जमीन पर भेजा है। किसी किसी को उसके बारे में पता होता है, किसी किसी को उसके बारे में नहीं पता होता कि उनके अंदर टैलेंट आखिर कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप में कोई टैलेंट है, और अगर उसका आंसर हाँ है तो उसके बाद के अंदर दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी बन जाता है, और वो क्वेश्चन है कि क्या आप अपने टैलेंट की वजह से फेमस हैं या नहीं हैं। अगर आप अपने टैलेंट की वजह से फेमस हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ समझ लिया जाता है कि आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, और साथ ही में इसका मतलब ये भी होता है कि आप अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, क्योंकि 2019 में हम आ चुके हैं, और अगर आपके पास में YouTube चैनल है, बहुत अच्छा इनकम का सोर्स है, मेरे हिसाब से किसी की जॉब करने से भी कई गुना बेटर है। जैसे अगर आपने कोई छोटा सा अगर न्यूज़ पोर्टल अगर चला रखा है, कुछ बना रखा है, तो आपके पास में इनकम करीब उतनी हो जाती है जितने की एक बड़े अखबार के जिले भर के सभी पत्रकारों को मिला के जो इनकम होती है उतनी आपकी अकेले की हो जाती है, और आपको किसी से पैसे भी नहीं लेने पड़ते, ईमानदारी से काम कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास में हो सकता है कि आप ड्रामा अच्छा करते हो, या आप और कोई आपकी कोई परफॉर्म अच्छा करते हो, गाना अच्छा गाते हो, कुछ भी हो, सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है। मगर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि वो अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करें, और इक्विपमेंट्स के अलावा वो किस प्रकार से आगे बढ़ें। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग लोगों ने चैनल्स ज़रूर बना रखे हैं, मगर वो पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते कभी कभी, और या फिर उनसे कनेक्ट नहीं बन पाता। इस एरिया में खासकर जो ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं मौजूद, मगर फिर भी कुछ की कमी है, और हम ये चाहते हैं कि वो कमी जल्दी ही पूरी हो। और साथ ही में इस चैनल के ऊपर केवल और केवल वीडियोस को बनाने और दिखाने उसके ऊपर हम काम करेंगे, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट रहना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस होगा। कई सारे प्रोडक्ट्स, कई सारे माइक्रोफोन्स मैंने भी शुरू में मंगाए, कई अलग अलग कैमरा यूज़ किए, मगर इस चैनल को बनाने के लिए, शुरुआत करने के लिए, मैं बिल्कुल अपने बेसिक्स के ऊपर आकर आपके साथ में चलूँगा और आगे आपको अपनी टेक्निक्स बता दूंगा। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि 2019 में कम से कम 10 यूट्यूबर और ऐसे जुड़ें जो पहली बार यूट्यूब पे आए हों, या थोड़ा दिन पहले भी यूट्यूब पे आ गए हों मगर वो अभी ग्रो नहीं कर पा रहे, कम से कम वो 10,000 का आंकड़ा सब्सक्राइबर्स का क्रॉस करें, और कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की इनकम वो जनरेट कर पाएं। 1.5-2 लाख रुपए की इनकम कम नहीं होती देखा जाए तो, क्योंकि मोस्टली जो यूट्यूब जो शुरू करते हैं वो 18 से 24 साल के बीच में अगर आप हैं और आप यूट्यूब के लिए शुरू कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप बहुत ही सही काम कर रहे हैं, और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, हर जगह आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप अगर इस ग्रुप में आते हैं तो कम से कम मेरा जो मिशन है उसके अंदर आप मेरा साथ दीजिए, कम से कम मुझे 10 यूट्यूबर इस बार ऐसे तैयार करने हैं जो अच्छा कंटेंट बनाएं, और जिनको थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत हो गाइडेंस पूरी तरीके से दी जाएगी और बताया जाएगा। आपके वीडियोस चेक करेंगे, आपको फीडबैक देंगे, चेक तो कुछ नहीं होता यूट्यूब के अंदर, कोई वीडियो अच्छा बुरा वैसे नहीं होता, मगर कंटेंट अच्छा और बुरा ज़रूर होता है। जैसे इस प्रकार का कंटेंट होता है कि एक नींबू के अंदर 4 लौंग आप इस प्रकार से इस दिन डाल के उसको वहां रख दो तो आप करोड़पति बन जाओगे, ये बहुत ही घटिया वीडियोस होते हैं। 1-2 वीडियो जरूर चल जाता है, कभी कभी आपका ही मन करता होगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अंदर आ रहा है और मैं क्यों नहीं इसके ऊपर भी मैं भी वीडियो बनाऊं, और इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद में वीडियोस मतलब पैसा कमाऊं, मगर ये बहुत ही खराब चीजें होती हैं, इससे चैनल बर्बाद हो जाता है जो शुरू में पता नहीं पड़ता। तो आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी के लिए है ये चैनल है। मैंने अभी सोचा है कि जो मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे के सारे मैं इस चैनल के ऊपर मैं शेयर करूंगा। ये जनरल लोगों के लिए चैनल नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक थोड़े से लोगों के लिए है जो हमेशा मुझे मिलते रहते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे कुछ पुराने साथी हैं, और कुछ नए जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब कहते रहते हैं कि हमें ये बताइए, मगर हर किसी को बताना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर और साथ ही के अंदर जो वीडियोस जो चैनल्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनके ऊपर इस प्रकार का कंटेंट डालना पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल का,
और इस चैनल का नाम अभी तक मैंने सोचा नहीं है, मगर इस वीडियो को बनाने के बाद में अपलोड करने से पहले मैं ज़रूर सोचूंगा। आप इस चैनल से जुड़िए और मेरे साथ में इस मिशन के अंदर आप जुड़िए। मेरा मिशन 10 यूट्यूबर कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की 2019 के अंदर उनकी कमाई हो। और हमेशा की तरह मैं आपको बता देता हूँ कि आज तक जितने भी मैंने टारगेट सेट करे हैं उसके 10 गुना अचीव किए हैं। तो हो सकता है 10,000 की जगह 1 लाख जो सब्सक्राइबर्स और 10 की जगह 100 यूट्यूबर और 2 लाख रुपए की जगह 20 लाख रुपए की इनकम वाले 100 लोग 2019 के एंड में तैयार हो जाएं। मगर टारगेट एक प्रैक्टिकल रखना चाहिए और इस चैनल के ज़रिए मेरा यही टारगेट है। तो आप जुड़े रहिए। और अभी मेरे पास में ज़्यादा जो है शुरुआत है और इसको वीडियो को बिल्कुल भी प्रोफेशनल तरीके से कट करके बैकग्राउंड रिप्लेस करके मैंने जानबूझ के नहीं बनाया है, क्योंकि एक्चुअल यूट्यूबर को क्या चीज़ जाननी चाहिए, क्या चीज़ उसके सामने आएगी वो सब रहेगी। और मोस्टली जो वीडियोस होंगे इसमें वो अनकट ही रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा इसमें झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग की तरह तो नहीं है, उतनी बोरिंग तो नहीं होगी, मगर फिर भी इस प्रकार से ये चैनल चलेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सब्सक्राइब करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको जो समस्या आ रही है उसको कमेंट्स में लिखना, ताकि उसका रिप्लाई किया जा सके, अगले वीडियो के अंदर उसको ऐड किया जा सके। और हो सकता है कि जब थोड़े आप अगर नया चैनल बना रहे हैं तो भी आप इसके साथ में जुड़िए, और अगर आपका छोटा मोटा चैनल है जिसके 4,000-5,000-10,000 तक सब्सक्राइबर्स हैं और अभी उसको आप ग्रो करने के लिए आप कुछ सोच रहे हो कि किस प्रकार से ग्रो नहीं हो पा रहा है या व्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और उसके अंदर पता लगाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। लंबा एक कैरियर होने की वजह से काफ़ी सारे IT के लोग भी जानकार हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं वो भी जानकार हैं, गूगल वाले भी काफ़ी सारे जानकार हैं, इंजीनियर्स हैं, पुराने इंजीनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स कई लोगों से संपर्क में आए हैं वो हैं। और वैसे सभी का कहना यही है कि आप अच्छा काम करिए, आप हमेशा ग्रो करते रहेंगे, मगर शॉर्टकट्स नहीं लगाने हैं क्योंकि हमको अच्छा काम करना है। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ जिसका नाम अभी तक नहीं सोचा है और ये मेरा पहला वीडियो है। 2019 में आपका स्वागत है। धन्यवाद।